कारगिल की लड़ाई, कारगिल के जो जवान हैं जो लड़े हैं उनके जवानी। अब देखिए कारगिल के युद्ध में जो दो जवान लड़े हैं उनसे हम लोग वहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते शेयर कर रहे हैं। बताइए क्या बताएं, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। आप कारगिल के युद्ध में लड़ाई लड़े थे? हाँ। आपके साथ जेके सिंह भी थे? हाँ, जेके सिंह भी। हाँ, तो क्या उसका कुछ अनुभूति बताइए, कैसा रहा लड़ा? देखिए अभी हम लोग लिट्टी हम लोग आए हैं तो लिट्टी बना रहे हैं। ये कौन जिला में पड़ता है? जगह कैमूर जिला में है। ये कौन गांव है? कबिलासपुर। हाँ। कबिलासपुर कौन ब्लॉक में पड़ता है? दुर्गावती ब्लॉक में। देखिए दुर्गावती ब्लॉक के हम लोग आए हैं और यादव सर से अभी हम लोग बात कर रहे हैं। बोलिए कुछ बताइए। क्या बताएंगे, जो लड़े भाई, जो परेशानी थी, कोई खाने पीने की तो बहुत ही परेशानी थी वहाँ पर जाने के बाद। कई कई दिन आदमी रह गया ऐसे ही, लेकिन जो मेरे दोस्त लोग थे वो मेरे पीठ पे रख के ले गया था मैं घर से। सत्तू में ही कई दिन गुजारा चला। जो गांव से सत्तू ले गए थे यहाँ से। हाँ, ऐसे चले गए थे, उसी समय युद्ध हुआ था, उसी समय चले गए। तो साथे में था, जो कभी नहीं खाए थे वो लोग भी, वो लोग भी सत्तू खाए। हाँ, हाँ, और उस सत्तू पर भी कई दिन लड़े आप लोग। देखिए वहाँ पे सरदार लोग थे तो वो लोग कभी सत्तू तो जानते नहीं थे ना वहाँ पे। तो सत्तू के बारे में बताया गया था तो वो लोग अजूबा समझदार से भूखे मर जाएंगे, कैसे क्या होगा। फिर हम लोग नीचे से जो बेस कैंप से राशन वगैरह सब लेकर के मोटर के माध्यम से और खच्चर के माध्यम से लेकर के जाया करते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे उसका इंचार्ज था। तो मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ पे लेकर के पहुँचाना सब लोगों के लिए। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कारगिल की लड़ाई में, मतलब कोई ऐसा डर नहीं था, कोई भय नहीं था, हमेशा जोश से बिल्कुल परिपूर्ण थे। एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण की भावना थी कि एक बार की बात है, बटालिक सेक्टर में हम जो है पीछे थे बेस में, और हम जो है ढूंढने के लिए जा रहे थे और एक के भाई से ही पूछ रहे कि एक को देखा है। शकल ही ऐसी हो गई तो पहचान में नहीं आ रहा ना, हमारा शकल पहचान में आ रहा, नहीं इनका पहचान में आ रहा है। तो ढूंढते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे कैजुअल्टी हो गई थी, इतना सारा कुछ हो गया था। हम अपने एक साथी को लेकर आ रहे थे। हाँ, एक बॉडी लेकर आ रहे थे, उनका डेड बॉडी लेकर के आना था। तो वही डेड, फिर हम जो है पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम जा रहे थे बटालिक सेक्टर में, तो वहाँ पे पूछ रहे हैं इन्हीं से, और नहीं पहचान में आ रहे हैं ना हम पहचान में आ रहे हैं। जब आवाज निकली आवाज से, तब जाकर के पहचान में आए कि अरे ये तो हमारा है के, ये जेके की जोड़ी। कितना फीट पर लड़ाई हो रहा था वहाँ पे? लड़ाई जो है 16,000 से ऊपर फीट पे जो है चल रहा था, हम लोग काफी ऊपर में। तापमान कितना वहाँ रहा था? तापमान तो माइनस में था, माइनस में, कहीं कहीं पे -10 भी था, 18 भी था, ऐसे ऐसे करके था। कितना दिन लड़ाई चला था? लड़ाई जो है लगभग देखा जाए तो हम लोग वहाँ पे जब गए थे तो एक महीना से ज्यादा ही चला था। फिर बाद में हम लोग दूसरे जगह टास्क के लिए चले गए थे। हम लोग को जो है ऑफ ट्रैक बनाना था, 80 ट्रैक बनाना था, ताकि वहाँ पे जो है पाकिस्तान वालों ने माइंड फील्ड लगा के चला गया था। तो सारी चीजें क्लियर करने के लिए हम लोग फिर मस्को वैली में गए, तो बटालिक सेक्टर से फिर हम लोग मस्को वैली गए थे। तो लगभग हम लोग जो है वहाँ बटालिक में एक महीने से ज़्यादा रहे थे, और फिर मस्को वैली में काफ़ी टास्क चला हमारा, और फिर टास्क कंप्लीट करके फिर हम लोग जो है श्रीनगर आए, और फिर वहाँ से हम लोग जो है अपने के साथ फिर जो है वापस आए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब आप लोग गाँव आए तो गाँव के लोग सम्मानित किए कारगिल? नहीं, गाँव में नहीं आना हो पाया था, मैं पुणे चला गया था कोर्स में, और बाद में बरेली में हम चले आए थे, और छुट्टी नहीं मिल पाई थी क्योंकि ऐसा समय ही था कि छुट्टी मिलना मुश्किल था उस समय। और उधर से जो है और भी दुनिया भर का जो एक्सरसाइज वगैरह था, ट्रेन
ट्रेनिंग थे सब, क्योंकि उस समय सब बंद था ना हम लोग का, तो प्रमोशन कोर्सेस वगैरह सब रुका हुआ था, तो सारी चीजें जो है उसमें हम लोग जो है कर रहे हैं। अशोक यादव जी घर आए थे? नहीं अभी गांव में अभी नहीं आए थे हम लोग। जब गांव आए तो गांव के लोग आपको सम्मानित किए कि कारगिल के लड़ाई आप लड़े किए थे? एक भाई के जो हमारे पापा जी जो कि पहले हेड क्लर्क रह चुके और ऑनरेडी कैप्टन से रिटायरमेंट हुए थे, तो सब लोग जो है पूरा बैकग्राउंड जो है सेना से ही है इनका भी, और हमेशा से हमारा मतलब मैं भी एज ए वहाँ पे हेड क्लर्क की ड्यूटी करता था, लेकिन साथ ही साथ स्टोर कीपर भी था। इसके अलावा जितने भी हमारे पास में जो वहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं थे हमारे पास में, तो हम ही लोग जो है मिल करके हमारे एसपी सिंह और ए के भाई और भी हमारे बहुत सारे साथी, लगभग हमारे 200-225 हमारे सब लोग साथी थे हम लोग रेजिमेंट में, तो सब लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही है, बहुत अच्छा हुए हैं हम लोग भी यहाँ पे। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपके आपसे तो बहुत बार सुने ही हैं कारगिल के बारे में, और आपके एक और साथी से हम कारगिल के विषय में जानकारी दी। अभी आपने जब पूना जब हम लोग गए थे तो वहाँ एसपी साहब जो कि हमारे साथ मिले लड़ाई में थे, हाँ तो थे मिले ही थे, वो भी हमारे साथ में थे, एक ही भाई भी हमारे साथ में, तो वहाँ पे काफी सारे लोग जो हमारे साथी है कि नासिक में बालूंज करके है वो भी हमारे साथ में था, और यदुनंदन लखनऊ में वो भी हमारे साथ में थे, तो बहुत सारे हमारे साथी लोग जो है साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।